दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका गोवा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 14 दिसंबर को जारी किया गया है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, पे स्केल आपका क्या रहेगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है। बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले हम नेम ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी ड्राफ्ट मेन पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी, यूआर के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो यहाँ पर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने आईटीआई किया है सिविल से या फिर आपने डिप्लोमा किया है इन सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल हैं लेकिन अगर किसी के पास एक साल का एक्सपीरियंस है एज ए ड्राफ्टमैन का तो उसे यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया है नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, यानी यहाँ पर आपको ऑटोकैड की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑटोकैड की क्लासें आपके डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अब तक कहीं पर भी ऑटोकैड नहीं किया है आप वो क्लासे ज़रूर ज्वाइन करिए। और वैसे भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एरिया में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं या इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑटोकैड की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और अगले पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया है कि इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए और डिजायरेबल में करके दिया है कि आपको मराठी लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया है जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं आपको करना क्या है, आपको जाना है इनकी ऑफिशियल साइट पर। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको सेल्फ टेस्ट करने हैं और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। आपका जो भी स्पीच पोस्ट है कोरियर है वो आपका 3 जनवरी 2023 से पहले पहले इनके ऑफिशियल एड्रेस में पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट में बताया है, देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ड्राफ्टमैन की पोस्ट रहने वाली है, आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 45 साल रखी गई है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।